जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। क्या हमारे देश का कानून अब इतना ज़्यादा सख्त हो गया है कि अगर कोई भीड़, जो 50-60 की भीड़ या 100 की भीड़ है, किसी जनाजे की नमाज कहीं सार्वजनिक जगह पर पढ़ लेगी और उसकी वीडियो बनाकर कोई सोशल मीडिया पर डाल देगा, तो उन सभी लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दी जाएगी, केस दर्ज कर दिया जाएगा, उन्हें परेशान किया जाएगा, उन्हें जेल में डाला जाएगा, उन्हें कोर्ट के चक्कर लगवाए जाएंगे। क्या हमारे देश का कानून अब इतना सख्त हो गया है कि कोई जनाजे की नमाज पढ़ेगा, 50-60 की भीड़ जमा होकर कहीं सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ेगी, तो उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर 50 लोगों के ऊपर केस दर्ज किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। किसी ने सार्वजनिक जगह पर वीडियो बनाकर, यानी सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने की, जनाजे की नमाज पढ़ने की सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल दी, उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग किया, बरेली पुलिस को टैग किया, अब उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है। गाँव के प्रधान समेत 50 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है। दोस्तों, आखिर पूरा मामला क्या है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। क्या आज के भारत में जनाजे की नमाज अदा करना जुर्म हो गया है? उत्तर प्रदेश बरेली में 50 मुसलमानों ने पढ़ी जनाजे की नमाज, सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा करने पर केस दर्ज। बरेली जिले के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव दोआवत में सार्वजनिक स्थल पर जनाजे की नमाज अदा करने पर ग्राम प्रधान समेत 7 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हाफिजगंज थाने के प्रभारी चेतराम वर्मा ने शनिवार को बताया कि उप निरीक्षक गजेंद्र सिंह की शिकायत के आधार पर कलुआ नरबर खान, साबिर जनादे अली, मोहम्मद उमर, ग्राम प्रधान है ये मोहम्मद उमर, उरब्बे अली, मुमताज और 50 अज्ञात के खिलाफ भारतीय दंड संहित की धारा 505(1) और 341 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने गजेंद्र सिंह की शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि दुआवत गांव के नक्शुखां 65 की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में ग्राम प्रधान मोहम्मद उमर ने थाने को सूचना दी थी कि मृतक को दफन करने के लिए शुक्रवार सुबह 10 बजे कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया था कि शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे जैसे ही जनाजा कब्रिस्तान के नजदीक पहुंचा, लोगों ने सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा की। कब्रिस्तान के पास पुलिस बल मौजूद है, क्योंकि यह आबादी वाले इलाके और बिरहदेव स्थल नामक धार्मिक स्थल के करीब है। स्थानीय लोगों ने सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा किए जाने का विरोध किया और वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो सर, ये जो जनाजे की नमाज की पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दी थी, ग्राम प्रधान ने बता दिया था कि एक शख्स है, उनकी मृत्यु हो गई है और इतने बजे जनाजा जाएगा, नमाज होगी, फिर भी वहां के लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली और दोस्तों अब प्रेशर में आकर पुलिस ने कार्रवाई करी है। ग्राम प्रधान समेत 50 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है। दोस्तों, अब क्या हमारे देश के अंदर किसी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ सकते? अगर पढ़ेंगे तो उनके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी, केस दर्ज किए जाएंगे। क्या है आपकी राय, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।